नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड यानी कि लॉयड स्टील के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो शेयर ने फिर से 10% के आसपास का जंप लगा दिया है, अपर सर्किल लगा दिया जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों पिछले 5 दिन का चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखो शेयर ने 32% से 33% तक के जबरदस्त रिटर्न दे दिया जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों इस शेयर को मैंने 1 रुपये पर सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि इस शेयर को बाय करके चलिए, ये शेयर आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने का पूरा पूरा दम रखता है। आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड भी करेंगे। कि दोस्तों मैंने इसे 1 रुपये पे इसीलिए बाय करने के लिए बोला था क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होती हुई देखने को मिलती जा रही थी जो कि आने वाले समय में ये शेयर आपको मल्टी बैगर बनता हुआ देखने को मिल सकता था, ऐसा ही मैंने उस वीडियो में बोला था। और आज के दिन आप देख सकते हो 1 रुपये वाला शेयर आपको 55 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है और कंपनी बहुत अच्छा काम करती हुई देखने को मिलती जा रही है। कंपनी के Q4 के रिजल्ट की बात करें या Q3 के रिजल्ट की बात करें, एक अच्छे खासा रिवेन्यू ऊपर जाता हुआ देखने को मिला जो कि अगर ऐसे ही काम करता गया तो ये शेयर आपको 100 भी जाता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले Q1 के नतीजों में भी कंपनी का एक अच्छा खासा रिवेन्यू शो हो सकता है जिसके बेस पे पहले ही शेयर में एक अच्छी खासी बाइंग होती हुई देखने को मिली है। और कब भी और हमें कब इसके Q1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो आपको लेके चलता हूँ VSE की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि लॉयड स्टील का जो रिजल्ट है वो हमें 7 अगस्त को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उम्मीद पूरी पूरी दिखाई जा रही है कि इस बार भी क्वार्टर रिजल्ट में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा जिसके बेस पर कंपनी में पहले से ही बाइंग होती हुई देखने को मिली है जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों अगर कंपनी ने अपने एस्टिमेट बीट कर दिए तो ये शेयर आपको फिर से 10-10% के या 20-20% का जंप लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। बस उम्मीद यही है कि आने वाले समय में कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे देखने को मिलेंगे जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है, लेकिन अगर कंपनी ने अपने एस्टिमेट बीट कर दिए तो ये शेयर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से भी देने का पूरा पूरा दम रखता है जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा अगर आपके पास लॉयड स्टील का शेयर है तो इसे होल्ड करके रखिए, ये शेयर आने वाले समय में अगर ऐसे ही काम करता गया तो 100 जाने का भी पूरा पूरा दम रखता है ये शेयर। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।